अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चाल दूरी एवं समय यानी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है, आपसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे माना कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक्स मीटर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये मान लिया क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें मालूम नहीं है, तो ये मैंने मान लिया। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु यानी पेड़, खंभा या व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। फिर इसके बाद वाली लाइन देखिए, यहां से यहां क्या लिखा है, और जब रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु यानी प्लेटफॉर्म, पुल या रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के कुल योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और वस्तु की लंबाई के कुल योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे पुल की बात हो रही है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और पुल के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की लंबाई है दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या माना कि माना रेलगाड़ी की लंबाई इज इक्वल टू एक्स मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्नानुसार आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और पुल के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की लंबाई है दोनों को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मानी हुई है। क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर 2 लंबे पुलों को, यहाँ पे 2 पुल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम पहले पुल के लिए सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहां पे पहले पुल के लिए इतना ये लिखा है और ये दूसरे पुल के लिए है। तो पहले पुल के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहां पे दी गई है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर यानी पुल की लंबाई जो है वो 800 मीटर है, ये 800 मीटर आपको यहां पे दिया है, ये पुल की लंबाई है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा जैसा कि आप देख सकते हैं ये 800 मीटर, ये मैंने यहां पे लाके लिख दिया 800 को,
प्लस उसके बाद x, यानी हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई को भी ऐड करना होगा ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मीटर मानी हुई है, इसको मैंने ऐड कर दिया। कितने समय में, देखिए समय भी आपको दिया है, यहाँ पे 100 सेकंड दिया है। ये 800 मीटर वाले पुल के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो समय आपका कितना दिया है, 100 सेकंड, तो अपॉन में आपका 100 सेकंड हो गया ये पहले पुल के लिए। फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब दूसरे पुल के लिए आ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं 400 मीटर, ये दूसरे पुल की लंबाई हो गई, ये 400 मीटर हो गई। तो 400 मीटर को मैं यहाँ पे ला के लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हमने मानी है, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और कितने समय में, समय आपको कितना दिया है, समय आपको यहाँ पे दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं 60 सेकेंड का, ये दूसरे पुल के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया अपॉन में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, 20 से 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है, और 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। यानी 800 प्लस एक्स, यानी 800 प्लस एक्स, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स, ये आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अपॉन में आपका 3 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100 कैंसिल हो गया था ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई 800 में हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 3 में 3x हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस तो लगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 400 में करवाएंगे 2000 आएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई x में कराएंगे 5x हो जाएगा, प्लस तो लगेगा ही। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2400 है, अगर मैं इस 2000 को इधर लेके आऊंगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, देखिए 2400 में से 2000 को लेस कर देंगे। अब यहाँ पे 5x ये तो प्लस में है, ये प्लस 3x इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा ना, इससे 5x में से 3x को लेस कर देंगे। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2400 में से 2000 को लेस करेंगे, क्या आएगा 400 आएगा, इज इक्वल टू 5x में से 3x को, यानी 5x में से 3x को लेस करेंगे 2x हो जाएगा। तो हमें यहां पे क्या मिला, हमें मिल गया 2x इज इक्वल टू 400, ये हमें मिल गया। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 400, और अपॉन में आपका हो जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2 2 टू टू ज़ा 4, और ये 20 तो आपका रहेगा ही। x इज इक्वल टू 200 मीटर, और x हमने क्या मानी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमने रेलगाड़ी की लंबाई मानी थी, यही हमें निकालना था। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 200 मीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो 200 मीटर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 200 मीटर कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। ईजी कब होगा, जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, विद इन 1 मिनट के अंदर या इससे भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, इसीलिए लगा मुझे टाइम, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो आता है, लेकिन आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता देता हूँ कि दोबारा आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तब वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपसे यहाँ पे टाइम पूछा गया, क्या पूछा गया है कि कितना समय लेगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। यानी दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमसे यहाँ पे समय पूछा है, तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी, और अपॉन में आपका क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर
दूरी बटे चाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, पेड़, खंभा या व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, और जब रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु यानी प्लेटफॉर्म, पुल या रेलगाड़ी को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के कुल योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया, यानी इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछा गया कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यानी जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। क्या? जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे समय पूछा हुआ है, और समय बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी, और अपॉन में आपका क्या होता है, चाल होता है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तो समय बराबर आपका दूरी बटे चाल होता है। दूरी मैंने आपको क्या बताई, दूरी मैंने आपको बताई जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बस ये आपको ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते 230 आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 230, तो यहाँ पे 230 मैंने लिखा, प्लस रेलगाड़ी की कितनी है 120 मीटर, ये आपका हो गया, ठीक है, दूरी। और अपॉन में आपका क्या होता है, अपॉन में आपका होता है चाल, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। तो चाल आपको कितनी दी है क्वेश्चन में, देखिए चाल आपको यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दी है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। ध्यान रखना है, हमें इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो मैंने यहीं पर चेंज कर दिया, आप चाहें तो अगले स्टेप में चेंज कर सकते हैं। तो 90 ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, 5/18 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे 90 × 5/18 और ये आपका मीटर पर सेकंड में हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मीटर पर सेकंड में आपका ये चेंज हो चुका है। अब अगले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 230 और प्लस 120 कर दीजिए इसको ऐड, क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा ना, हो गया 350। फिर अपॉन में आपका 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड था, तो ये देखिए ये मीटर से मीटर कैंसिल, बचा सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड ही तो रहेगा, ये देखिए सेकंड में हो गया आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 18 × 18 पंचे आपका कितना होता है, 90 होता है, और ऊपर 350 ये तो एज इट इज रहेगा, और ये 5 × 5 = 25 क्या हो गया 350, और कौन में आपका 25 और ये सेकंड हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, मैं सीधे यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 25 × 25 हो जाएगा, 25 × 25 10 उधर चलाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 × 100 क्या हो जाएगा 14 सेकेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने पार्ट वन पढ़ा है, मैंने पार्ट वन में आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दिए हैं, जो मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको पार्ट वन में भी बताया था, मैं दोबारा इसलिए आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट सभी अच्छे से पता रहे, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो चलिए देखते हैं 14 सेकेंड कहाँ पर दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका है इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मालूम, विद इन 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। क्वेश्चन देखते क्या दिया है, क्वेश्चन आपका लिखा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक खंभे को पार करेगी। यानी आपको यहाँ पे समय निकालना है, सीधी सी बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको समय निकालना है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, यानी समय आपको यहाँ पर निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी और अपॉन में आपका चाल होता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए कि किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो आपको क्वेश्चन में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहीं पे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, यानी ये क्या हो जाएगी, यही आपकी दूरी हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है और हमें निकालना है यहाँ पे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है वही रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगी। तो दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी दी है, 100 मीटर, यही आपकी दूरी हो जाएगी। फिर अपॉन में चाल, चाल आपको क्या दी गई है, चाल आपको यहाँ पे दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे समय को निकाल रहे हैं, आपका सेकेंड में ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाल आपको दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चेंज करना है इसको मीटर पर सेकेंड में। तो 50 × 5/18 आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 × 5/18 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाइम, ठीक है, ये 51 × 52 आपका 100 हो जाएगा, ऊपर आपका है 2 और नीचे आपका क्या बचा, 5/18। जब 5/18 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 18/5 हो जाएगा, और ये जो आपका 2 है ये तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 18 में 36/5 तो आपका रहेगा ही, 36/5 हो गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, 36 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 आपका कितना होता है, 5/7 = 35 होता है ना, आपका 6 में से 5 जाएगा 1, अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0, 5/2 आपका 10 हो जाएगा, मिला क्या, 7.2 सेकेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मिल गया आपको आंसर यहाँ पे, 7.2 सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 7.2 सेकेंड कहाँ दिया है, दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, ये जो आपका चैप्टर है ये चाल दूरी समय वाला, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता, 1 मिनट के अंदर कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व, अगर नहीं पता तो नहीं लगा पाएंगे, सीधे सीधे सवाल को, आसान से आसान सवाल को आप गलत करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट अपना जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ये सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान देनी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये नाव से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेलगाड़ी से रिलेटेड होते हैं या फिर नाव से रिलेटेड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के चेक कर सकते हैं, आपको यही दोनों क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रेलगाड़ी से संबंधित और नाव से संबंधित। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन थोड़ा ये आपका डिफरेंट है, यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे देखेंगे जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्या लिखा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यानी स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब आपका शांत जल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थिर मतलब शांत रहेगा, शांत जल की बात यहाँ पे हो रही है। तो स्थिर जल में नाव की चाल आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा दी है,
और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं धारा की गति आपको यहाँ पे क्या दी गई है, धारा की गति यानी धारा की चाल आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि धारा के विपरीत हमें यहाँ पे सबसे पहले नाव की चाल निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछा है, तो नाव विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, विपरीत दिशा में पूछा हुआ है ना। तो जब तक हमें यहाँ पे धारा के विपरीत नाव की चाल नहीं पता चलेगी कैसे हम यहाँ पे समय निकालेंगे। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, यदि किसी नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के बहने की दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आपकी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 13 किलोमीटर हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी 4, 13 में से 4 को लेस कर दीजिए, धारा के विपरीत नाव की चाल आपको पता चल जाएगी जो कि क्या आएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं धारा के विपरीत नाव की चाल 13 में से 4 को लेस किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी यहाँ पे चाल आपको मिल गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो नाव विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल आपकी होती है। ठीक है, क्या होते है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दूरी पहले ही दी हुई है कि 63 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे मैंने लिखा अतः 63 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपको यहाँ पे 63 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, दूरी आपको क्वेश्चन में दी गई है और यहाँ पे धारा के विपरीत नाव की चाल हमने कितनी निकाली, 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा अपॉन में 63/9, 9 × 9 = 63 आपका होता है 7 घंटे, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ गया आपका आंसर यहाँ पे, 7 घंटे आ गया। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 7 घंटा कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मालूम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चन इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपका ऐसा है चाल समय दूरी वाला, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसान से आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कठिन से कठिन भी पूछा जाता है। आप पेपर उठा के चेक करेंगे तो आपको इस चैप्टर से केवल मॉडरेट लेवल या फिर इजी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इजी लेवल आपको देखने में लगता है इजी क्वेश्चन है, वो इजी होता नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट लगे हुए होते हैं जिसमें आप हो जाते हैं कन्फ्यूज और क्वेश्चन को कर देते हैं गलत। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खासकर अपनी बुक के एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल आपके इस चैप्टर में अरिहंत की बुक में 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों के दिए हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, बस आपको 1 सॉल्व करना है, 1 सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं यही सोच रहा हूं कि जो आपके ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल्स को तो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो इसमें आपका 7 घंटे ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। जो गीता है वो 4 सेकंड बाद उस आवाज को सुनती है जो यहाँ पे बंदूक से गोली चलाई जा रही है। तो आवाज की यात्रा करने की गति क्या है, आपको यहाँ पे आवाज की यात्रा करने की गति बतानी है। गति मतलब क्या, चाल आपको बतानी है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आवाज की गति यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। दूरी आपको कितनी दी गई है, देखिए 1.34 किलोमीटर की दूरी पर, तो दूरी आपको यहां पे 1.34 किलोमीटर दी है, समय आपको दिया है 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड दिया है और हमें यहां पे गति निकालनी है
और गति जो आपकी यहाँ पे आएगी ये आपकी मीटर पर सेकेंड में आएगी, जैसा कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे होंगे हर एक जगह आपको मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ मिला है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ तो ये आपका किलोमीटर में दिया गया है, जो दूरी है ये आपकी यहाँ पे जो 1.34 किलोमीटर में दी गई है, तो इसको हमें क्या करना होगा, जो किलोमीटर है इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। एक किलोमीटर बराबर आपका क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या दिया, यहाँ पे आपका दिया है 1.34 किलोमीटर दिया है, और मैंने आपको क्या बताया कि 1 किलोमीटर बराबर आपका क्या होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर के होता है, तो 1.34 इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1000 में, किसमें करा दीजिए 1000 में, तो 1000 में जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.34 की मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे 1000 में तो आपको मिलेगा 1340, और ये आपका चेंज हो जाएगा मीटर में, ध्यान रखिएगा ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यही किया, जो आपका 1.34 किलोमीटर था यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया मीटर में, तो 1340 यानी 1340 हो गया, अपॉन में आपका समय चार सेकंड दिया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड ही तो आएगा, क्योंकि जो आपका किलोमीटर था उसको मीटर में चेंज किया और समय आपका सेकंड में है तो सेकंड में ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेंगे 1340। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 4 से कीजिए 4 हो जाएगा, 4 3 12 इधर 1 जाएगा ये 14 हो जाएगा, फिर 4 3 12 फिर 2 उधर चला जाएगा, 4 5 20 और मीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगा, यानी आपको क्या मिला 335 यानी 335 मीटर पर सेकंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 335 मीटर पर सेकंड कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, बस आपको यही एक स्टेप में ध्यान देना था, जो आपका ये किलोमीटर में है इसको हमें मीटर में चेंज करना था, तभी आपका ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। और वैसे भी आप यहाँ पे ऑप्शन ही देख के जान जाएंगे कि आपको यहाँ पे जो किलोमीटर दिया है आपको मीटर में चेंज करना ही होगा, मीटर पर सेकंड में चारों आप देख सकते हो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहां पे, और सॉल्व करने पर हमें मिला 335 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 4 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो इसे अनुप्रवाह चाल कहते हैं, और यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी विपरीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक नाव धारा के अनुकूल 4 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बटे समय होता है, दूरी बटे समय ही तो होता है, दूरी आपको यहाँ पे 20 किलोमीटर, समय 4 घंटे का, तो 20/4 सॉल्व कीजिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिल जाएगा, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे आपको यहाँ पे दिया है कि धारा के विपरीत 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 24 किलोमीटर और समय आपको यहाँ पे 6 आवर्स यानी 6 घंटे का दिया है, तो 24/6 सॉल्व कीजिए, 6 4 24 4 किलोमीटर पर आर ये आपका आ जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल हमें क्या मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव की चाल यहाँ पे हमें क्या मिली, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ नहीं करना, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे पूछा है कि धारा की चाल बताइए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है, यदि नाव के अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल ज्ञात हो तब धारा की चाल क्या हो जाती है, धारा की चाल आपकी हो जाती है अनुप्रवाह चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह चाल अपॉन में आपका 2 हो जाता है। अब यहाँ पे अनुप्रवाह लिखा हुआ है, अनुप्रवाह चाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को बोलते हैं
हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ये आपको ध्यान रखना है। तो धारा के अनुकूल मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने अभी आपको बताया कि यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के अनुकूल हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रवाह चाल कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी अनुप्रवाह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी निकली, तो अनुप्रवाह की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फिर ऊर्ध्वप्रवाह चाल, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्या बताया कि यदि नाव की चाल धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी विपरीत हो तो उसे ऊर्ध्वप्रवाह चाल कहते हैं। ऊर्ध्वप्रवाह चाल को इंग्लिश में अपस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। तो ऊर्ध्वप्रवाह चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकली, यहाँ पे रखा फॉर्मूले में और अपॉन में आपका 2 होता है, तो 5 - 4 और अपॉन में 2, 5 में से 4 को लेस करेंगे 1 और अपॉन में आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले याद है, बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 1/2 कहाँ पे आपका दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, यही आपका यानी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ईजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक यहाँ पे दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने में तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़े आसानी से ये 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका है, बस 10 से 20 सेकंड का, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा इसीलिए टाइम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में, यानी पूर्व दिशा में भी, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में, यानी जो दूसरी मोटर कार है वो भी पूर्व दिशा की ओर है, ध्यान रखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, पहली की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी। आपसे यहाँ पे पूछा है कि पहली की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर, यानी चलिए मैं पूर्व दिशा इधर बना दे रहा हूँ, यानी इस दिशा की ओर मान लीजिए, ये क्या है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और ठीक दूसरी मोटर कार है वो भी पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि चाल से और दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, तो पहले की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे ये नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है यदि दो रेलगाड़ियों या किसी अन्य वस्तु, अब यहाँ पे मोटर कार की बात हो रही है, तो अन्य वस्तु की जगह हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे मोटर कार है, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि दो रेलगाड़ियों या किसी अन्य वस्तु की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल आपकी जो होती है x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, देखिए कि एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में, यानी यहाँ पे विपरीत दिशा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समान दिशा है। तो चलिए समान दिशा वाला आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा तथा समान दिशा में सापेक्षिक चाल, समान दिशा में सापेक्षिक चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहाँ पे समान दिशा की बात हो रही है, तो समान दिशा में सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 75 और यहाँ पे माइनस वाई की वैल्यू आपकी 60, 75 में से कर दीजिए 60 को लेस, मिलेगा आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, यानी पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष क्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो नीचे लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो बड़े आसानी से आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इन सबकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।